यात्रा की तर्ज पर मध्यप्रदेश में किसान न्याय यात्रा भी दिखाई देगी। राहुल गांधी की तर्ज पर किसान न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस। कल से शुरू हो जाएगी ये यात्रा, किसान न्याय यात्रा। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। यात्रा में किसान संगठन नेता भी शामिल रहेंगे। हर जिले में निकाली जाएगी किसान न्याय यात्रा। समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग भी उठाई जाएगी और मुख्य मांग तो यही रहेगी कि बाकी राज्यों के तरह समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदे जाए और सोयाबीन जो फसलें हैं वो खरीदे जाए। 20 सितंबर को पूरे प्रदेश में एक साथ किसान आंदोलन होगा। आखिर क्या होगा यात्रा का रूट, ये भी हम आपको बड़ी जल्दी से बता देते हैं। आप देख लीजिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि यात्रा का रूट क्या होगा। तो ये देखिए, तो ये यात्रा है 10 सितंबर मंदसौर से गरुड़ से शुरू होगी यात्रा। 13 सितंबर टिमरनी से होशंगाबाद से शुरू होगी और 15 सितंबर आगर मालवा और 22 सितंबर इंदौर से, यानी सभी दिशाओं से ये यात्रा निकाली जाएगी। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। और यात्रा को लेकर क्या कहना है जीतू पटवारी का, तो जीतू पटवारी की क्या कहना है, आखिर क्या मुद्दे रहेंगे और वो कुछ कह रहे थे कि हम सरकार को कैसे घेरने वाले हैं, क्या रहेगा, सुन लीजिए जीतू पटवारी। तो कांग्रेस 20 तारीख को पूरे प्रदेश में आपकी आंखें खोलने के लिए, आपके कान में जू रहेंगे, इसके लिए आप कृषि मंत्री हैं कि सोयाबीन के दाम यहां भी MSP पे खरीदना पड़ेगी। गेहूं के 3100 और 2700 धान के दाम की आपने जो घोषणा की वो पूरी करनी पड़ेगी, अन्यथा कृषि मंत्री जी आप जहां रहोगे वहां आपको चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश के किसान अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं, आपको वोट देते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारे अधिकार को हम लेना भी जानते हैं। चलिए, तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हम अपने अधिकार को लेना भी जानते, किसान जो मध्य प्रदेश का है वो भी जानता है। तो क्या 20 तारीख को किसानों की ये बड़ी न्याय यात्रा होगी? मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सूरज, उनसे बात कर लेते हैं। सूरज, आप क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हो गई है इस न्याय यात्रा को लेकर? दूसरी बात यह है कि MSP की बात कर रहे हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान में कृषि मंत्री है, उनको भी वो आगाह कर रहे हैं, क्या ये बड़ा रूप होगा 20 तारीख को किसान यात्रा? बिल्कुल मनोज जी, खासतौर से कांग्रेस ये न्याय यात्रा, किसान न्याय यात्रा निकालने जा रही है, खासतौर से उस स्थान से शुरुआत कर रही है जहां पर 6 जून 2017 को किसान आंदोलन हुआ था और उस खासतौर से जब फायरिंग हुई थी तो किसानों की मौत भी हुई थी। तो उसी मंदसौर से किसान न्याय यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। 13 सितंबर को वहां से निकालेगी, टिमरनी जाएगी, हरदा की बात हो वहां जाएगी, नर्मदापुरम या इंदौर, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाएंगे। और खासतौर से एक ही बात है कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र में MSP की बात की थी, समर्थन मूल्य की बात की थी, चाहे धान के 3100 रुपये हो, 3100 रुपये हो, गेहूं के 2700 रुपए, तो वही सोयाबीन के 6000 रुपए समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। यही कारण है कि ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए, बैलगाड़ी के जरिए किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी कि जब सरकार ने वादा किया था तो आखिर वो क्यों नहीं निभा रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे फिलहाल कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उस समय मुख्यमंत्री थे, लगातार कई मंचों पर कहा गया था कि समर्थन मूल्य जो गेहूं का है, धान का है, वो तय किया जाएगा, मैनिफेस्टो में भी था। तो उसी को मुद्दा बनाकर अब किसानों की लड़ाई के साथ, किसानों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ने जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में ये प्रदर्शन होगा। 20 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा किसानों की मांगों को लेकर। तो कहीं ना कहीं अब 28 की तैयारी कांग्रेस कर रही है और किसानों के साथ कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है इसको लेकर कांग्रेस ने रणनीति शुरू करी। अब देखना ही होगा 13 तारीख को पहला जब आंदोलन मंदसौर से शुरू होगा तो किस तरीके से किसानों का समर्थन मिलता है और क्या वाकई किसान कांग्रेस के साथ जुड़कर सरकार के सामने सवाल खड़े करेंगे। मनोज जी, चलिए, और मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले आपकी एक और खबर आई थी कि जब ब्लॉक में इस तरह के प्रदर्शन की बात कही गई तो उस तरह के रिजल्ट दिखाई नहीं दिए थे, जिसकी भी अपने तरह से तफ्तीश करा रही है कांग्रेस। बहुत धन्यवाद सूरज, आप मेरे साथ जुड़े। तो अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और अगली खबर है रायपुर से। स्काई वॉक को लेकर नया टेंडर जारी हुआ है, 31 करोड़ का ये नया टेंडर है। अंबेडकर और DKS अस्पताल के